नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल सी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज ऐप यहाँ पर बैन लगा दिए हैं दोस्तों, आज ही। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपने देखा होगा टिकटॉक जैसे काफ़ी सारे ऐप्स यहाँ पर बंद कर दिए, तो ऐसे 43 चाइनीज ऐप कौन से थे पूरी जानकारी इस वीडियो में। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बाजू में बेल आइकन दिखा दे तो उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यहाँ पर 43 चाइनीज ऐप्स यहाँ पर बंद हो चुके हैं, उसमें से स्नैक वीडियो, कैम कार्ड, वी डेट ऐप भी लगा है बैन। तो दोस्तों यहाँ पर स्नैक वीडियो, कैम कार्ड, वी डेट ऐप पर भी लगा दिया है बैन। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे 43 जो मोबाइल ऐप्स है वो भी यहाँ पर बैन हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों स्नैक वीडियो जो बना रहे थे उनके लिए भी यही सब बंद हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अली एक्सप्रेस, अली सप्लायर्स, अली पे, ऐसे काफ़ी सारे जो 43 ऐप है वहाँ पर बैन लग चुका है। तो दोस्तों ये पहले टिकटॉक जैसे काफ़ी सारे ऐप्स बंद कर दिए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से यहाँ पर अली एक्सप्रेस जैसे, अली सप्लायर्स ऐसे सारे 43 ऐप्स यहाँ पर बैन कर दिए। तो दोस्तों पूरी ये लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप है, अली बाबा वर्कशॉप है, तो स्नैक वीडियो है, कैम कार्ड है, बिजनेस कार्ड रीडर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं चाइनीज सोशल है, डेट इन एशिया है, फ्री डेटिंग ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, डेट माई एज है, चार्ट मीट डेट। तो दोस्तों काफ़ी सारे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर चाइनीज ऐप यहाँ पर 43 यहाँ पर बैन लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया है कि काफ़ी सारे ऐप्स है वो कुछ जानकारी ऐसी थी इसी वजह से यहाँ पर इसको बैन कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स में ये है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।